कैसे हो सभी सभी को मेरा प्यार वाला नमस्कार गाइस। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं इस वीडियो चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान दिखाने वाला हूं। सो गाइस, इस कब्रिस्तान में एक खास बात है जिसमें एक मकबरा बना हुआ है जो कि जॉन विलियम हेसिंग का मकबरा है। और गाइस, जो मकबरा बना हुआ है बिल्कुल ताजमहल की तर्ज पर बना हुआ है जो कि लाल पत्थरों से बना हुआ है, ताजमहल जैसा लगता है देखने में। और गाइस, ये जो मकबरा भगवान टाइग्स पर स्थित है और गाइस, इसका कोई टिकट नहीं लगता है, बिल्कुल ही फ्री है। और गाइस, इस जगह के बारे में कमी लोग जानते हैं तो इसी वजह से मैं आपको इस जगह को दिखाने वाला हूँ उस वीडियो में। तो गाइस, आप भी वहाँ जा सकते हो और इसका कोई टिकट नहीं लगता है, बिल्कुल ही फ्री एंट्री है और आराम से आप वहाँ पर घूम सकते हो, बैठ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सुकून है इस जगह पर। तो चलिए चलते हैं भगवान टाइग्स और आपको जॉन विलियम हेसिंग का मकबरा दिखा दे जो कि ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया है। चलिए सो निकलते घर से और दिखाते हैं आपको पूरे नज़ारे वहाँ के। चौराहे पर आ चुका हूँ, देख सकते हो पीछे दीवाने गेट है, उधर की साइड है रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान जो कि ताजमहल पर, ताजमहल की तट पर बना हुआ है कब्रिस्तान है, तो वही दिखाऊंगा। चलिए चलते इधर की साइड में और दिखाते हैं आपको वहाँ के सीन। मकबरे के अंदर और पीछे देख सकते हैं आप, ये है कर्नल जॉन विलियम हेसिंग का मकबरा जो कि भगवान टाइग्स के पास ही बना हुआ है, जो कि दीवानी है वहीं के, उसी के सामने रास्ता गई उसी के अंदर है। तो विलियम हेसिंग का मकबरा है जो बिल्कुल ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया, देख सकते हैं आप लाल पत्थरों से बनाया हुआ है। तो ये पूरा पूरा कब्रिस्तान है जिसे बोलते हैं कैथोलिक कब्रिस्तान जो कि भगवान टाइग्स पर स्थित है। तो गाइस, इस जगह को कमी लोग जानते हैं और मैं आपको इसको दिखाने के लिए लाया था इस वीडियो में, तो इसको पूरा मैं आज कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में और कब्रे दिखाऊंगा और जो भी यहाँ का अच्छी अच्छी जगह है सारा को दिखाऊंगा। अभी हम मकबरे के पास भी जाएंगे और अंदर से हो सका तो सीन भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं दिखाता हूँ पूरा यहाँ का सीन जो भी है, जो कि यह कैथोलिक चर्च जो कि भगवान टाइग्स के पास बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। और अभी हम मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पूरा पूरा मैदान है और ये गार्डन है, तो इसमें कब्र भी आती है नई नई, क्योंकि यहाँ पर रोजाना कब्रे लोग दफन करने के लिए भी लाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई नहीं आता, अभी भी लोग यहाँ पर दफन किए जाते हैं। और पूरा गार्डन है और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और मेरा दोस्त जो कि बैठा हुआ है काफ़ी तेज़ है, तो अभी हम दोनों साथ आए इसलिए उसको नज़ारा दिखाता हूँ। तो भाई ये देख लीजिए आप, ये हेडपम्प लगा हुआ है जो कि अभी बंद है, इसमें पानी नहीं है। और अभी आप सामने देख रहे हैं ये कब्रें यहाँ पर कई सारी, सो देख सकते हैं आप ये काफ़ी सारी कब्रें लाइन लगा कर। और इधर की साइड हरे पेड़ पौधे हैं काफ़ी सारे और काफ़ी बड़ा गार्डन सा है। और ये मकबरा है एक सामने, देख सकते हैं आप काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में और ये काफ़ी बड़ा है, ऊपर भी इसके कुछ कब्रें बने हुए हैं। तो थोड़ी उसको पास से दिखाता हूँ मैं आपको नज़ारे। और ये काफ़ी हरियाली और गार्डन है पूरा, और कब्रिस्तान है ये, कैथोलिक कब्रिस्तान बोलते हैं जिसे, जो कि आगरा के भवन टाकिस पर स्थित है। तो गाइस, इसके बारे में कभी लोग जानते हैं और कभी लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो मैंने सोचा चलिए दोस्तों आपको दिखा दें, शायद आपने देखा नहीं होगा। तो गाइस, सामने देखते हैं अब एक और मकबरा जो सामने है और एक घेरा है जो कि मेरे पास है, इसमें भी कुछ कब्रें हैं क्योंकि इसके ऊपर ही बनी हुई है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये सामने है जो ताजमहल की तर्ज पर बना हुआ है जो कि पेड़ के पीछे है, अभी मैं उसको ऊपर ले जाऊँगा दिखाऊँगा, पहले नीचे का सीन देख लीजिए आप, जो नीचे मकबरा बना हुआ है और इसके आसपास भी कई सारी कब्रें हैं और मकबरे हैं जो कि उधर की साइड हैं, देख सकते हैं आप घेरे। तो इधर रास्ता है यहाँ से जाने के लिए, वहाँ से हम जाएंगे, अभी अब आपको अंदर का सीन दिखाएंगे वहाँ से। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों, चलते हैं ताजमहल की तर्ज पर बना हुआ है मकबरा, उसके ऊपर चलते हैं फिर उस सीन दिखाते हैं आपको हम यहाँ का।
अभी मैं कैथोलिक चर्च के सॉरी कब्रिस्तान के ठीक बीच में खड़ा हुआ हूँ। इधर पीछे देख सकते हैं आप, जो लेफ्ट साइड है इधर भी कब्रें बनी हुई हैं, और जो रास्ता अंदर जाने के लिए, और जो लेफ्ट राइट साइड है जो कि इधर भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं। और अभी हम चलते हैं अंदर की ओर, और जो मेन यहाँ का मकबरा है वो दिखाते हैं आपको, जो कि ताजमहल की तर्ज पर बना हुआ है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और बिल्कुल लाल पत्थरों से ताजमहल लग रहा है बिल्कुल देखने में। देख सकते हो चारों तरफ इसके चार बुर्जी बनी हुई ताजमहल की तरह, और बीच में एक बड़ा सा बुर्जी है ताजमहल की तरह ही, तो कुछ देखने में ताजमहल जैसे लग रहा है, लाल ताजमहल बोल सकते हैं आप इसको। चलिए दोस्तों बैक कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ के मेन जो मकबरा है उसके ऊपर चलते हैं और वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं आपको। तो इधर भी देख सकते हैं कभी, इधर भी कब्रें हैं एक, और इधर भी कब्रें हैं जो कि राइट साइड है यहाँ का, और ऊपर है जी मेन मकबरा जो कि ताजमहल के जैसा लग रहा है देखने में, बिल्कुल लाल पत्थरों से बना हुआ है, और ये रास्ता ऊपर जाने के लिए, तो अभी हम ऊपर से आपको सीन दिखाते हैं यहाँ का, और ये देख लीजिए काफ़ी सारी कब्रें हैं, और अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर से सीन दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं ये भी रास्ता उधर से आने के लिए, और अभी हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, और ये मेन मकबरे का ऊपर का सीन। तो गाइस अभी हम ऊपर आ चुके हैं और ऊपर का सीन देख लीजिए आप। गाइस हम मकबरे के ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप ये पीछे का सीन है मकबरे का, इसमें कुछ कब्रें हैं जो कि अंदर है इसके, जॉन कर्नल विलियम्स हैसिंग जी इसकी मकबर है। तो पीछे का सीन देख लीजिए आप, काफ़ी ऊंचा है, और अभी हम जितनी ऊंचाई पर खड़े हों वो लगभग एक मंजिल है, और इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारी कब्रें हैं जो कि बाहर पीछे की साइड में देख सकते हैं बनी हुई हैं, और पूरा कब्रिस्तान है ये कैथोलिक कब्रिस्तान। और सीन देख लीजिए पीछे का, और ये रास्ता है यहाँ पे फोटो पॉइंट काफ़ी अच्छा हो सकता है यहाँ का, और ये पीछे है, और एक यहाँ पे फोटो पॉइंट चार तरफ फोटो पॉइंट्स बने हुए हैं जो कि एक देख सकते हैं आप इधर है, और चारों कोनों पर बने हुए हैं, इधर है और इधर की साइड ले चलता हूँ मैं आपको, इधर भी है फोटो पॉइंट और रास्ता भी यहाँ से जाने के लिए देख सकते हैं, और एक और वो फोटो पॉइंट साइज बना हुआ है वो खड़े होने के लिए, और ये रास्ता है जो पीछे देख रहे हैं आप, ये रास्ता। चलिए दोस्तों बैक कैमरे से यहाँ का चारों तरफ का मैं सीन दिखा रहा हूँ। चारों गेट बंद है, चारों गेट हैं इसके अंदर, ये गेट है इसमें से हम चलते हैं और देखते हैं अंदर का सीन कैसा है। तो चारों में लॉक लगा हुआ है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मकबरा देख सकते हैं ऊपर का, चारों बुर्जी है, और मैं चारों साइड से आपको सीन दिखाए थे, इसमें तीन के दिखा दिए, और ये तीसरा है जो कि मैं भी खड़ा हुआ हूँ बुर्जी पे, देख सकते हैं आप काफ़ी ऊँचा है, ज़्यादा नहीं एक मंजिला हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बैक कैमरे से यहाँ का अंदर का जो भी कब्र है वो दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि मकबरा है जॉन विलियम हैसिंग का, कर्नल थे जो अंग्रेजों के टाइम में इंडिया में रहते थे उस टाइम के शायद। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का सीन। सुबह देख सकते हैं आप, ये लॉक लगा हुआ है इसमें, ये बोल्ट लगा हुआ है इससे बंद है, और जी है जॉन विलियम हैसिंग का मकबरा, जो कि अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत। सो जी है मकबरा गाइस, यहाँ का मेन मकबरा है, जो अंदर का सीन मैं दिखा नहीं पाऊँगा अच्छे से क्योंकि इसमें पूरे में लॉक लगा हुआ है, गेट बंद है। और देख लीजिए आप, यहीं से बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको कुछ नज़ारे देखने को मिल जाए तो, पूरा का पूरा मकबरा है, और कितना ही मैं दिखा पाऊँगा आपको क्योंकि जाली लगी हुई है इसमें लॉक है, और ऐसे चारों तरफ चारों गेट है इसके, इसी में जाली लगी हुई है, और एक रास्ता शायद ये ऊपर जाने का जो कि बंद है, इसमें ऊपर नहीं जा सकते, उसमें शायद आवाज़ आ रही है, कुछ चमगादड़ वगैरह हो सकती हैं। तो देख सकते हैं आप गाइस, ये पूरा गार्डन है, और जो कि एक कब्रिस्तान है कैथोलिक कब्रिस्तान, और चारों तरफ इसके कब्रिस्तान ही है, और बीच में ये मकबरा बना हुआ है। तो देख लीजिए नीचे का सीन है, ये कब्रें बनी हुई हैं, और पीछे के देख सकते हैं लोग रहते हैं, बस्ती है शायद, और जो पूरा कब्रिस्तान है
काफ़ी बड़ा है जी। और इधर की साइड दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए दोस्तों सामने भी ये कब्रें हैं, पूरा पूरा कब्रिस्तान है, काफ़ी खूबसूरत है देखने में, जो कि कुछ कब्रें लाल पत्थरों से, कुछ ये येलो कलर के पत्थरों से बनी हुई है, काफ़ी खूबसूरत लग रही देखने में। सो भाई ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मेरे को। सो भाई चलिए दोस्तों, सो भाई ये था जॉन विलियम हैसिंग, कर्नल हैसिंग का मकबरा जो कि भवन टाइप पर स्थित है। और ये गाइस ये मेन मकबरा यही है जो कि मैंने आपको दिखाया, और जो इसमें चारों तरफ गेट लगे हुए हैं, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि मैं ऊपर का जो सीन था मैंने सारा कुछ दिखाया आपको। और एक मकबरा ये है जो कि मैंने पीछे दिखाया था आपको, जो स्पाइट में बना हुआ है, सॉरी ये वाला जो दिख रहा है आपको। सो भाई ये मेन मकबरा था जो कि मैंने दिखाया, और ये लाल पत्थरों से ताजमहल की तर्ज पर बनाया हुआ मकबरा है। और इधर की साइड पीछे देख सकते हैं पूरे चारों तरफ कब्री कब्रें, इसमें कब्रिस्तान है ये कैथोलिक। और गाइस जितना भी था सारा कुछ मैंने दिखाया इस वीडियो में, और गाइस ज़्यादा कुछ देखने नहीं है, लेकिन आप आ सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा शांति है यहाँ पर, सुकून है, और ज़्यादा लोग भी नहीं यहाँ पर। जो भी यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ की देख रेख करते हैं, वही लोग हैं यहाँ के, और उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया ये कब्रिस्तान है, और इसे बोलते हैं आरसी, शायद आरसी बोला था उन्होंने, आरसी बोला था शायद, याद नहीं आ रहा मुझे, तो उन्होंने आरसी बता दिया जगह का नाम, जहाँ पर लोग आते हैं थोड़ा आराम फरमाने के लिए। काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी शांति है, मन को अच्छा लगेगा यहाँ पर अगर आप एक बार आओगे तो, काफ़ी खूबसूरत है। तो गाइस एक बार यहाँ पर आप ज़रूर आएँ, क्योंकि ये भवन टाइप पर स्थित है, आप कहीं आसानी से आ सकते हो यहाँ पर। तो गाइस ये वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। और गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए उसको मिलते हैं नई वीडियो पर, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।